हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में आपको एक्सरसाइज कराई थी, आपको वो सॉल्यूशंस सब कुछ समझ में आ गए होंगे आपको। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर मिस कर दिया है वो ऊपर जो आपका आई बटन दिखाई दे रहा है वहां से लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वीडियो के, वहां पे भी आपको इसका लिंक प्रोवाइडेड होगा, वहां से भी जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो दो हमने मेथड कर ली है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया है हमने और दूसरा एलिमिनेशन मेथड कर लिया है, दोनों ही मेथड्स हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के, और ये उसके एडिशन में तीसरा मेथड है। यानी कि तीनों मेथड से आपका आंसर सेम आने वाला है, लेकिन करने के तरीके तो सबके अपने अलग अलग हैं। जैसे इस वाले मेथड में हम देखेंगे कि कैसे इक्वेशन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको जो मेथड सुटेबल लगता है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि पर्टिकुलर इस मेथड से सॉल्व करो तो आप वही मेथड लगाएंगे, और अगर आपको लगता है कि इस मेथड से या दूसरे वाले मेथड से आपका आंसर जल्दी आ सकता है तो आप कोई मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मूव करते हैं हम अपने मेथड पे जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखो, इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं और ये इनके कोफिशिएंट्स हैं, पहले बता चुके हैं आपको। तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो हमें देखना है। तो स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग दिस मेथड आप क्या करना होता है, यहां पर आप लिखेंगे x अपॉन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे y अपॉन, इसके बाद लिखेंगे आप इज इक्वल्स टू वन अपॉन। इस तरीके से आप चीजों को पहले बना लेंगे। अब बहुत ही आसान चीज है जो हम बताने जा रहे हैं आपको, जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाइए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, जब हमने x लिया यहां पे, तो स्टूडेंट्स इस वाले कोफिशिएंट को, यानी कि जो x के कोफिशिएंट है, इनको आप छुपा लो, ठीक है। x और y तो हम ले ही रहे हैं, तो x y की बात कहीं पे भी नहीं होगी नीचे की तरफ, आपके पास सिंपल तो सिंपल होंगे कोफिशिएंट की बात कर रहे होंगे हम। तो जब x वाला ले रहे हैं तो इसको छुपा लिया हमने, यहां बचा आपके पास देखो b1 b2 c1 c2, तो यहां पे लिखा आपने b1 b2 c1 c2, ठीक है, आपने ये कर दिया। फिर जब y ले रहे हैं हम, तो y में y की कोएफिशिएंट दोनों छुपा लिए, तो कौन बचा देखो यहां पे c1 c2 और a1 a2, ठीक है, ये कर लिया। इसके बाद लास्ट हमने कहा वन, वन तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाले कोएफिशिएंट छुपा लो दोनों, तो क्या बचा आपके पास a1 a2 b1 b2। ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। देखो, दोबारा रिपीट करते हैं, यहां पे हम जब हम x के नीचे ले रहे हैं तो क्या है, x के कोएफिशिएंट छुपा लेंगे और ऑर्डर में चलना है एक के बाद एक। यहां पे ये लिखे हैं b1 b2, ये लिख लिए, फिर c1 c2 ये लिख लिए हमने यहां पे। फिर आए y के ऊपर, तो y में हम देख रहे हैं y का कोएफिशिएंट छुपा लिया हमने, तो क्या बचा सामने, क्या दिख रहा है c1 c2 और उसके बाद कौन आएगा a1 और a2। फिर कांस्टेंट है 1, तो 1 के हिसाब से क्या दिख रहा है यहां पे a1 a2 ये लिख लिया और b1 b2 ये लिख लिया हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम कि इसमें आगे क्या करना है। तो देखो, आगे आपको ये करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, माइनस बीच में यहां पे लगा देंगे। जब सेकंड वाले करेंगे इससे शो करेंगे कोई, पहले सबसे पहले इसको इससे करेंगे, फिर माइनस इसको इससे करेंगे। फिर से देखो, दिस वन इंटू दिस वन माइनस दिस, दिस वन इंटू दिस वन, दिस वन इंटू दिस वन, ये माइनस, यहां, ठीक है। अब लिखने का क्या तरीका होगा इसका, देखिए जो हम बताने जा रहे हैं यहां पे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस
बी टू इंटू सी वन, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बी वन सी टू लिखो या सी टू बी वन लिखो कोई फर्क पड़ता है, टू इंटू फाइव लिखो या फाइव इंटू टू कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। इज इक्वल्स टू वाई अपॉन सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, क्लियर। दिस वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहां पे ये इक्वेशन नंबर वन मान ली, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान ली हमने, यहां पे इक्वेशन नंबर थर्ड मान ली है ना। तो अभी तो क्या है, आपके पास ये जनरल फॉर्म है, तो यहां पे कुछ सॉल्व होगा नहीं। अभी हम आपको एग्जांपल लेके बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन लेंगे एक बार, और सेकेंड और थर्ड इक्वेशन लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या मिलेगी, एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन ये आता है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्यों कहा जाता है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे को, कॉफिशियंट्स को, यहां पे किया माइनस ये किया, यहां पे किया माइनस ये माइनस ये, है ना। तो इस तरीके से हम कॉफिशियंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सोल्यूशन को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल इसके बेस पे कैसा है, और फिर देखते हैं इसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए अब जो हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसके बेस पे हम क्वेश्चन लेते हैं, और जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 14 पेज नंबर 60 पे है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा गया है कि कोई बेंगलोर का बस स्टैंड है, वहां से लेके दो प्लेसेस हैं, मालेश्वरम और यशंतपुर, ठीक है। यहां पे दो कंडीशन गिवन है आपको कि यहां से यहां तक जाने में इतने टिकट लिए, यहां से यहां तक इतने टिकट लिए, यहां से यहां तक, वो मतलब कंडीशन है, वो भी आपको समझाते हैं कैसे कैसे बोला गया है। तो उसके बेस पे आपको क्या करना है, इक्वेशन फ्रेम करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पे इसमें टिकट्स और फेयर की बात, फेयर ऑफ द टिकट्स की बात की गई है। सो हमने क्या किया, लेट द फेयर ऑफ वन टिकट फ्रॉम द बस स्टैंड टू मालेश्वरम रुपीज एक्स माना हमने, एक टिकट की कॉस्ट एक्स रुपीज है बस स्टैंड से लेके कहां तक, मालेश्वरम तक। एंड द फेयर ऑफ वन टिकट फ्रॉम बस स्टैंड टू यशवंतपुर वाई रुपीज है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपसे कि अगर वो बंदा केस वन, अगर वो क्या करता है, देखो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे, ये बेंगलोर का बस स्टैंड है, बी मीन्स बेंगलोर बस स्टैंड, यहां से दो जगह पड़ती है, मालेश्वरम फॉर एम, दिस इज द मालेश्वरम, एंड यशवंत फॉर इज वाई, ठीक है, ऐसे समझो आप इसको। अब यहां पर उसने कहा है कि अगर वो दो टिकट बाय करता है यहां तक के, तो दो टिकट यहां के और तीन टिकट यहां के, तो जो टोटल कॉस्टिंग आती है ना इसकी, टोटल कॉस्ट जो इस जर्नी की आती है वो आती है 46 रुपीस, रुपीस 46 आती है इसकी कॉस्ट। तो भाई देखो इसको कैसे आप बनाओगे इक्वेशन की फॉर्म में। सो बेंगलोर बस स्टैंड से मालेश्वरम दो टिकट, दो टिकट की कॉस्ट कितनी होगी भाई, एक टिकट की कॉस्ट कितनी है रुपीज एक्स, तो दो टिकट की कॉस्ट कितनी है टू एक्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस दूसरे केस में कह रहा तीन टिकट और खरीदी हमने कहा कि यशवंतपुर की, तो यहां पे वाई रुपीज एक टिकट कॉस्ट है, तो दो टिकट की कॉस्ट कितनी है थ्री वाई, और टोटल कॉस्ट बैठी कितनी 46। अब स्टूडेंट्स ये जो आपकी इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब ये तो है नहीं, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस 46 इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर वन बनती है आपकी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट केस है, केस नंबर टू, केस नंबर टू देखो आप, केस नंबर टू में क्या था, क्या है, गिवन है
कि बेंगलोर बस स्टैंड से मालेश्वरम और यशवंतपुर जाना है उसको, और 3 टिकट्स उसने मालेश्वरम तक के लिए और 5 टिकट्स उसने यशवंतपुर के लिए। तो उसको टोटल कॉस्ट कितनी देनी पड़ी यहाँ पे? टोटल कॉस्ट लगी इसकी ₹74। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं किस फॉर्म में? अपनी मैथमेटिकल फॉर्म में। तो क्या आएगा? 3x इज द कॉस्ट विच हैज बीन पेड टू मालेश्वरम प्लस 5y इज इक्वल टू 74। नाउ द इक्वेशन इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम क्या करेंगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको हम। तो देखिए क्या आता है, ये 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से, तो ये क्या है? ये वैल्यू ऑफ ए टू है, ये वैल्यू ऑफ बी टू और ये वैल्यू ऑफ सी टू विद नेगेटिव साइन, वो हम देखेंगे कैसे करते हैं उसमें। तो हमारे पास दो इक्वेशन आई हैं, जो दो इक्वेशन है वो कौन सी हैं वो देख लेते हैं। स्टूडेंट देखो यहां पे दो इक्वेशन हमारे पास ये आई हैं, जो हमने दोनों कंडीशन से निकाली हैं। अब इसमें ध्यान से देखो, ये वैल्यू ऑफ ए वन है, दिस वन इज बी वन एंड दिस वन इज सी वन, दिस वन इज ए टू बी टू और सी टू। अब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है टू सॉल्व दीज इक्वेशंस, वो हम उसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए एक्स अपॉन, ये पढ़ा है हमने कि एक्स के कोफिशियंट को हमें क्या करना है? ढक लेना है, मतलब छुपा लेना है। तो बी वन और बी टू यानी कि 3 और 5 यहां पे आएंगे, और -46 ये और -74 यहां पे। क्लियर? आगे करते हैं वाई की बात। तो वाई अपॉन, यहां पे वाई कोफिशियंट आप ढक लो, यहां पे आ गया -46 -74 और 2 एंड 3, यहां पे आया 1 अपॉन। तो 1 में हमने क्या देखना है? 1 का मतलब कांस्टेंट को छुपा लेंगे, तो 2 3 और 3 5 ऐसा आया है। अब आपको पता है इसको सॉल्व कैसे करना है हमें? सॉल्व करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे क्रॉस में, दिस वन इंटू दिस माइनस दिस वन इंटू दिस, दिस वन इंटू दिस और माइनस दिस वन इंटू दिस, ऐसे ही करना है हमें। कर देते हैं इसको अप्लाई। यहां पे देखिए एक्स ओवर 3 इंटू 74 कितना आएगा? 4 इंटू 3 12, 2 22, 222 माइनस में आएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है, और ये स्टूडेंट्स माइनस और इनटू दस माइनस ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना आएगा? 36 0 3 5 20 और 3 23 230। ठीक है, 5 इंटू 6 30 0 3 5 इंटू 4 20 23 इज इक्वल्स टू वाई ओवर दिस वन इंटू दिस, तो कितना हो गया? 6 18 8 1 3 4 12 और 1 13 नेगेटिव आएगा अगेन, और जब इसकी इससे करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव यहां पे भी है। सो 2 इंटू 4 8 और 2 इंटू 7 14 इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना आ गया? 10 माइनस के 9। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 हमने मानी, ये इक्वेशन नंबर 2 मानी और ये इक्वेशन नंबर 3 मानी हमने। ठीक है, अब फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड में देखो क्या है, एक्स अपॉन कितना आ गया स्टूडेंट्स? यहां पे कितना आएगा? 8, और यहां पे कितना आएगा? 1 अपॉन 10 माइनस 9 कितना? 1। सो 1 अपॉन 1 लिख दे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू 8। ठीक है, नाउ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड यानी कि लास्ट की दो ले लेते हैं हम यहां पे,
तो ये कितना है भाई, y अपॉन कितना 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 10। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो दोनों x की वैल्यू पे आ गई, y की वैल्यू पे आ गई, तो फेयर टू मालेश्वरम, रुपीज 8 पर टिकट एंड फेयर टू यशवंतपुर इज रुपीज 10। तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आपने इसको समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके सो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 15 है, पेज नंबर 61 पे है। और ये एग्जाम्पल, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन में थोड़ी सी चीजें चेंज होती हैं और फिर वहां पे क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है आपके लिए। तो उस क्वेश्चन को कैसे इजिली सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि दो इक्वेशन की मैंने आपको, इसमें वैल्यू ऑफ पी जो यहां पे रिप्रेजेंटेड है उसमें पी की वैल्यू क्या हो कि वो क्या हो जाए, इसका सॉल्यूशन यूनिक हो जाए। तो अब आप रिबैक करिए, हमने आपको यूनिक सॉल्यूशन की और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की और नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको लिखाई है हमने, उसमें पूरा समझाया है आपको कि कैसे कैसे कौन सा सॉल्यूशन कैसे बनता है। जिसने बच्चे ने उसको नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो के लेक्चर में जाके उसको देख ले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये मान लिया हम ए वन, ये मान लिया हमने बी वन और ये माना सी वन, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशंस ऑलरेडी अरेंज्ड हैं। दिस वन इज ए टू, दिस वन इज बी टू और दिस वन इज सी टू, ठीक है। सो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है हमारे पास, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू, ये कंडीशन होती है। अब सारी वैल्यूज आपके पास हैं ऑलरेडी प्रेजेंट, सबको रखते रहो उसमें। तो ए वन का मतलब 4, ए टू का मतलब 2, बी वन का मतलब पी और बी टू का मतलब 2, ये बीच में साइन कैसे आएगा, नॉट इक्वल्स टू। तो यहां से जब अरेंज करोगे आप, दिस इंप्लाइज पी इज नॉट इक्वल्स टू 4, क्योंकि यहां 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी इज नॉट इक्वल्स टू 4। इट मींस कि जो सॉल्यूशन होगा, ऐसे लिखनी है यहां पे, हैंस हैंस द पेयर ऑफ इक्वेशन pair of equation have unique solution for any value of p except p is equals to 4, यानी कि p इज इक्वल टू 4 ना लेकर के आप कोई सी वैल्यू लीजिए, वो सारे की सारी वैल्यूज क्या होंगी, इसका सॉल्यूशन होगा। जरा ध्यान से देखिएगा इसमें, मान लो हम p की वैल्यू 3 ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल p की वैल्यू 3 ले ली हमने, लेट p इज इक्वल टू 3। अब p 3 लिया तो मतलब कितना आ गया, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, तो ये तो 1 अपॉन 2 बचेगा यहां पे, तो क्या 1 अपॉन 2 3 अपॉन 2 की होगा, नहीं होगा, तो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। सिर्फ जब 4 ले लेंगे यहां पे तो क्या होगा, 4 अपॉन 2 यानी कि बराबर हो जाएंगे, जो कंडीशन को वायलेट करेगा, ठीक है। इसीलिए किसी भी वैल्यू ऑफ पी के लिए एप्लीकेबल होगा, सिर्फ तो सिर्फ पी की वैल्यू 4 छोड़ देंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 सेम पेज पे है
और ये उसका एक एक्सटेंशन है उस क्वेश्चन का, यानी कि थोड़ा आगे बढ़ के हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, है ना। तो क्या करते हैं इन क्वेश्चन में देखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे, किस वैल्यू ऑफ के लिए होंगे, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो जो जो आपसे बोल रहा है सिर्फ वही आपको अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फिर से हम बात करते हैं, दो इक्वेशन गिवन है प्रोवाइडेड हमें और दोनों के दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो ये भी अच्छी चीज है। तो यहां पे ये वैल्यू किसकी है, a1 की, दिस वैल्यू इज b1 और ये वाली वैल्यू विद नेगेटिव साइन c1, ये a2, दिस वन इज b2 एंड दिस वन इज विद नेगेटिव साइन c2, ठीक है। तो वी नो फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, ये कंडीशन होती है। सो यहां पे ए वन की वैल्यू रखेंगे कितनी है के, ए टू की वैल्यू 12 इज इक्वल्स टू बी वन की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू K, C1 की वैल्यू माइनस ऑफ K माइनस 3 और K2 की वैल्यू C2 की वैल्यू माइनस K K, ठीक है। ये साइन यहां पे कैंसिल आउट कर देगा आपस में एक दूसरे को, तो ये आ गई K अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन K इज इक्वल टू K माइनस 3 अपॉन K। इसको माना इक्वेशन में वन, इसको माना टू और इसको माना थ्री। तो हम दो दो इक्वेशन का पेयर लेंगे और उससे सॉल्व करेंगे वैल्यू ऑफ के, ठीक है। देखते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू में लेंगे तो कितना आएगा, के अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन के। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसका मतलब ये हुआ कि k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36, यानी कि फिर ये इंप्लाई क्या करेगा, k इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 6, यानी कि एक वैल्यू ऑफ k आई 6, एक आई माइनस के 6, ठीक है, पहले दो इक्वेशन से। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 ले लेते हैं यहां पे। सो फ्रॉम 2 एंड 3, सेकेंड एंड थर्ड, देखो सेकेंड और थर्ड में क्या है, थ्री अपॉन के इज इक्वल्स टू के माइनस 3 अपॉन के। तो ये आ गया कितना, 3k इज इक्वल्स टू यहां पे आ गया k स्क्वायर और माइनस के 3k, सबको एक तरफ ले जाते हैं, दिस इंप्लाइज k स्क्वायर माइनस 3k और माइनस 3k इज इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0, यहां से k कॉमन आया तो k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहां पर k की वैल्यू आई आपके पास 0, एक वैल्यू ये आई और यहां से आई k इज इक्वल टू 6, ठीक है। यानी कि ओवरऑल हमारे पास तीन वैल्यूज आई k की, क्या क्या वैल्यूज देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे देखो हमारे पास आए k इज इक्वल्स टू 6, k इज इक्वल्स टू माइनस 6 और k इज इक्वल्स टू 0, ये तीन वैल्यू आई हैं आपके पास में, क्योंकि ये प्लस माइनस 6 है तो साइन यहाँ पे भी सेम है, यानी कि पॉजिटिव साइन है, यानी कि a की वैल्यू काउंट की जाएगी। तो यहाँ पे तीन वैल्यू आई हैं, देखिए तीन ही एप्लीकेबल है या फिर कोई और एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर चेक करेंगे इसको, अगर मान लो k की वैल्यू 0 रखते हैं, यहां पे इधर चेक कर लेते हैं, यहां पे k की वैल्यू अगर हमने मान लो 0 रखी, ठीक है, तो क्या आएगा, 0 अपॉन k इज इक्वल टू 3 अपॉन 0। अब ये तो इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 0 आएगी, दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ये हो नहीं सकता, यहां पे पॉसिबल ही नहीं है।
तो यानी कि k इज इक्वल टू जीरो जो वैल्यू है ये आपकी गलत है यहां पे, ठीक है। अब माइनस सिक्स चेक करते हैं, तो ये आ गया यहां पे देखो भाई माइनस सिक्स अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री अपॉन माइनस के सिक्स, ये थ्री अपॉन माइनस के सिक्स हो गया। फिर माइनस के सिक्स माइनस के थ्री माइनस के नाइन अपॉन कितना माइनस के सिक्स। अब देखो ये वाली वैल्यू यहां पे ये इंप्लाई क्या करेगा, ये कट जाएगा, ये माइनस वन अपॉन टू आएगी, दैट इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, और यहां पे आएगी ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो ये आएगी थ्री अपॉन टू, तो ये तो इक्वल है नहीं, तो यानी कि ये भी सेटिस्फाई इस कंडीशन को नहीं कर रहा है, तो यानी कि k इज इक्वल टू माइनस सिक्स पे आपकी वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगी। अब बात करते हैं k इक्वल टू सिक्स के लिए। अब देखो यहां पे सिक्स अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री अपॉन सिक्स इज इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री थ्री अपॉन सिक्स, ये इंप्लाई क्या करेगा, देखो हर एक में कितना आएगा वन अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू, ठीक है। तो इस कंडीशन में ही सिर्फ क्या हो रहा है, पूरी की पूरी तीनों इक्वेशन सेटिस्फाइड है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये k इक्वल टू सिक्स जो है यही वैल्यू है जो हमारा आंसर होगी, ठीक है। सो के हेंस k इज इक्वल टू सिक्स इज अ वैल्यू फॉर विच विल गेट द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस फॉर द गिवन टू इक्वेशंस, ओके। सो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट आपका बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे आपसे, डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।